ये जो आपको शार्ट दिखा रहा हूँ ना, ये भी इसकी यूएसपी है, ऑसम चीज़ है। इतनी बड़ी वॉक इन क्लोजेट देखिए कभी आपने? ऑसम। ये है इसकी यूएसपी मेलबू टाउन की, मेंटेन्ड ब्यूटीफुल से पार्क्स। वेलकम टू द न्यू एपिसोड गाइस, मैं हूँ हरप्रीत सिंह गुलाटी, गुड़गांव का एक रियलिटर हूँ। ये मैं सिर्फ उनके लिए इंट्रोडक्शन देता हूँ जो पहली बार देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को पहली बार देख ही रहे होते हैं। और बस रुके हैं दो मिनट के लिए, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी, आज मैडम मेरे साथ है और इनको कहीं भुट्टा दिख जाए ना, बस समझ लो कि हो गया काम। वहीं पे गाड़ी रुकती है, और ये तो वैसे भी रेत वाला है, बड़ा रेयर मिलता है यहाँ पे तो आज मैं आपको बढ़िया सी फैंटास्टिक प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ। आज मैडम मेरे साथ पूरा हेल्प करेगी, क्यों जी मैडम, बढ़िया रहेगा आज? आज थोड़ा ब्रीफिंग करोगे आप? ट्राई करूंगी मैडम कहती है, मैं ट्राई करूंगी चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर सीधा का सीधा चल रहा हूँ आपको मैं बहुत फैंटास्टिक प्रॉपर्टी पे लेके। हुए क्या बात है, क्या बात है, लुक्स तो बड़ी अच्छी है यार। एक बाइट भी खा के देखते हैं। रेत वाली तो नहीं है, नहीं उबली हुई यार, ऐसे ही कहानी डाल रहे हो तुम यार हमें बता रहे हैं सर, रेत वाली और उबली वाली में फर्क नहीं है ना? ये रेत की नहीं है, चलो लिखा हुआ इन्होंने रेत वाली है चलो कोई ऐसी बात नहीं है, चल रहा हूँ आपको मैं लेके बहुत फैंटास्टिक से फ्लोर पे, बिल्डर फ्लोर है, बहुत बढ़िया फ्लोर है, और बस आपको देख के आज मजा आ जाएगा। मेलबू टाउन के अंदर, ये भी बता रहा हूँ आपको, मेलबू टाउन का 500 स्क्वायर यार्ड्स का फैंटास्टिक फ्लोर, आ जाओ फिर आज चक दिए फट्टे चलो ये जरा छल्ली इंजॉय कर ले। वीडियो रेत वाली नहीं है, नहीं है ना? नहीं है, हाँ उबाली हुई है कोई बोल नहीं पा रहा कुछ क्योंकि वो जा रहे की जुबान बंद हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, टेस्टी है तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, मैडम को पसंद आ गई, ठीक है चलो हमारा काम हो गया, और चलते हैं सीधा फ्लोर पे। आ जाओ, लो जी मैं आ गया हूँ वहाँ पे, और ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये है फसाड, इसका जबरदस्त फसाड, ब्यूटीफुल पूरा घर का, मैंने ऐसे दिखाना वैसे बंद कर दिया। इसकी विड्थ है असली, इसकी यूएसपी, इसकी विड्थ बहुत चौड़ा है, और ये पूरी मेलबू टाउन की लुक एंड फील है। यहाँ पे ग्रीन एरिया है, बहुत बढ़िया एरिया है, यहाँ पे आसपास बहुत सारे गार्डन्स है, लुक एंड फील देखो पूरी एरिया की, और घर देखो इसका, फैंटास्टिक घर बना हुआ है, बहुत प्यारी लुक एंड फील है यार यहाँ पे, वो ग्रीन ग्रीन पार्ट है इसके, ग्रीन पार्क्स बहुत अच्छे अच्छे डेवलप्ड है यहाँ पे। ये है इसकी यूएसपी मेलबू टाउन की, मेंटेन्ड ब्यूटीफुल से पार्क्स, क्या बात है। अगर मैं आपको बताऊँ तो धौला कुआं से अगर आपको यहाँ तक आना ना तो रेड लाइट फ्री आओगे आप, और ये है इसकी असली यूके मेंटेन्ड वेल मेंटेन्ड ब्यूटीफुल से पार्क्स, क्या बात है, पाम ट्रीज लगे हुए हैं, पीछे से धूप आ रही है, बड़ा प्यारा लग रहा है नज़ारा ऑसम है। तो चलते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है जी। तो लो जी आ चुका हूँ इसकी पार्किंग के अंदर, फ्लोर की पार्किंग के अंदर, और आपको मैं दिखाऊंगा इसमें गेट, आप काउंट कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्या बात है, 6 गेट 500 यार्ड में, ये ऐसे कैसे हो गया? इसका रीजन है, बहुत बढ़िया एक रीजन है, क्योंकि इसका जो इसका फ्रंट एज है ना वो इसकी बहुत वाइड है, अप्रॉक्सीमेट अगर हम डीएलएफ के प्लॉट में 700 पकड़े ना तो 700 यार्ड्स में। अभी मैं हूँ मेलबू टाउन के अंदर 500 यार्ड्स के अंदर, 4 BHK आपको लग्जरी प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, यूनिक प्रोडक्ट है, मज़ा आ जाएगा। मेलबू में इस तरह की कंस्ट्रक्शन मिलनी बहुत टफ है, सच्ची बता रहा हूँ आपको, लोगों ने लोकेशन के साथ जस्टिफाई नहीं किया होता जनरली, मैं जाके रिजेक्ट कर देता हूँ, चीज़ें पसंद ही नहीं आ पाती हमारे को, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद मज़ा आ जाएगा आपको। अगर मैं चैनल पे लेके आया हूँ दैट मीन्स कुछ तो है तो जल के ऊपर आपको मज़ा आएगा। तो ये इसकी पूरी की पूरी आप फैंटास्टिक सी देखोगे, ये पार्किंग है ब्यूटीफुल, और अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको लिफ्ट लॉबी के अंदर। तो ये लिफ्ट लगी है यहाँ पे शिंडलेयर की, यहाँ से हम शेयर कैसे जाएंगे अभी वो ऑपरेशनल नहीं है। तो ये आ गए इसकी लिफ्ट लॉबी के अंदर, वाओ ऑसम क्या बात है, एंट्री है ना जी बढ़िया वाली, मज़ा आया एंट्री देख के, पीछे मिरर, क्या कहोगे मिरर आते सबसे पहले, एंट्री से पहले ही लाइक, देखो जी अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, मिरर लगा हुआ तो आपको एक लाइक तो इसमें आते ही देना पड़ेगा जी, लाइक दे डालो, सच्ची बता रहा हूँ, वर्थ इट लाइक दोगे मज़ा आएगा, अंदर जाके बड़ा मज़ा आने वाला है। और साथ में ये लाइट यहाँ पे डिजाइनर लाइट, ये रही आपकी लिफ्ट लॉबी, यहाँ से लिफ्ट आएगी, और ये रहा इसका 8 फुट का डोर जबरदस्त क्लैडिंग के साथ, और इस पे तो ग्रूव्स भी बने हुए यार बढ़िया नाइस, और स्मार्ट लॉक लगा हुआ डोर सेट का, बायोमेट्रिक्स कार्ड पासपोर्ट एवरीथिंग। तो चलते हैं इसके अंदर लॉक हो गया यार, वाओ डोर खुल गया जी, ये जी अरे वाओ क्या बात है, स्वागत नहीं करोगे हमारा वेलकम क्या बात है, आज तो बड़ा डिफरेंट सा स्वागत हुआ है, आज मैडम भी मेरे साथ हैं, तो आज मेरी स्वीट वाइफ साथ में,
हेलो और थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे आज, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। चलो जी ग्रेट, और दिखाता हूँ आपको मैं जैसे ही एंटर करते हैं तो सबसे पहले इसकी यूएसपी, सबकी सबसे पहले नज़र जाएगी इसकी यूएसपी पे। वाओ फैंटास्टिक, क्या यूएसपी है जी, दिखाते हैं आपको। नीचे दिखाते हैं सारा इटालियन मार्बल, आगे जाने से पहले नीचे दिखा दूँ आपको, सारा इटालियन मार्बल है, सारा इटालियन मार्बल में बर्बर, इसमें बर्बरी बेज लग रहा है मुझे सारा का सारा। ओहो इसकी जो शाफ्ट है ना, ओए होए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है। ये शाफ्ट एरिया है, लाइट आएगी से नेचुरल लाइट ऊपर इसके, वो देखोगे ऊपर शीट लगी है और नेचुरल लाइट आ रही है वहाँ से, पानी नहीं आएगा अंदर बारिश का। और ये नीचे आपकी सारी पार्किंग है, दिस इज योर पार्किंग एरिया। और ये जो इसके ऊपर जो डिज़ाइनर बनाया हुआ है बिल्डर ने, ओहो ये तो एक फैंटास्टिक लाइक है जी, फैंटास्टिक लाइक, इसी के लिए बहुत प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल। नीचे कमेंट सेक्शन है, बताना कैसा लगा आपको, कैसा लगा ये? बहुत ब्यूटीफुल लगा, अच्छा लगा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा लगा। और रूम्स की जो पहली लुक आती है, जो पहले एंटर करने के बाद, एकदम से एंटर करने के बाद जो हमें पहली फील आती है, वो फील बहुत इसी ग्रैंड आ रही है ना। और वो ग्रैंड का रीज़न पता क्या है? बहुत बड़ा लग रहा है पहला ये एंट्री, बहुत काफ़ी ह्यूज लग रही है। हाँ हाँ, तो वो इसका उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न मैंने आपको नीचे बता दिया था कि इसका जो इसकी फ्रंटेज है वो कम से कम 700 यार्ड वाली है, 500 यार्ड के अंदर। जो इन्होंने पहले मुझे आते ही बोला ना कि ये इतना बड़ा बड़ा कैसे लग रहा है, उसका रीज़न यही है कि उसकी जो फ्रंटेज है वो 700 यार्ड वाली है, 55 अप्रॉक्सीमेट फीट चौड़ा इसका फ्रंट है, जो यूनिक है एकदम से। उसकी वजह से जितना भी ग्रैंडनेस आपको ग्रैंडियर दिख रहा है ना ये सारा, ये उसी की वजह से सारा। और ये है इसका लिविंग डाइनिंग, सॉरी लिविंग तो इसका वो है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी। ये लिविंग चलते हैं जी, इसके लिविंग देख लेते हैं। इसमें पाइन वुड अंदर यूज़ किया गया, और ये सामने थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है जी, नाइस। ये इसकी बालकनी और नेचुरल लाइट देखो, मज़ा आ जाएगा। सामने जो एल्यूमिनियम यूज़ की गई है इसके अंदर, मैश डोर ग्लास डोर सारा कुछ आ रहा है, और डबल ग्लेस्ड इसमें ग्लास यूज़ किए गए हैं। और इसकी बालकनी देखते हैं, वाह बालकनी भाई बड़ी, बहुत बढ़िया। इसकी बैक वाली तो और ज़्यादा है क्योंकि ये पार्ट में है, ये वाली कुछ पार्ट में, इसके बेडरूम के साथ अलग से बालकनी है। और ये फ्यूचर प्रूफ है सारी, सारी बालकनी इसकी फ्यूचर प्रूफ है, ऑसम ज़बरदस्त है जी। और यहाँ से जो फील है ना घर की, ओए होए जो घर से नज़र आएगी चीज़, ह्यूज ज़बरदस्त। और ये चलते हैं वापस लिविंग के अंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फ्यूचर प्रूफ वॉल्स बनाई हुई है। इसमें टाइल बड़ी 8x4 की टाइल यूज़ की गई है, साथ में वुड वर्क की क्लैडिंग है, इसमें वुड की क्लैडिंग साथ में दी गई है। मैंने आपको बोला था ना मैलिबू टाउन के अंदर फैंटास्टिक चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। और ये यहाँ से इसकी लुक एंड फील, इसकी मैं अगर सीलिंग की बात करूँ तो ऊपर सीलिंग पे भी इन्होंने वुडन वर्क है, वुड वर्क सीलिंग पे भी दिया गया। यहाँ पे एलईडी सी सिंपल बहुत प्यारी सी दी हुई है, ये पाइन वुड इन्होंने यूज़ किया है इसमें पार्टीशंस के लिए, साथ में ग्लास लगाया इसके अंदर, आर्ट इफेक्ट्स लगे हुए हैं, देख के अच्छा लग रहा है। फ्यूचर प्रूफ वॉल है ये, स्टोन है, क्या बात है। और आगे चलते हैं इसके साथ लिविंग के अंदर, मैडम लग रहा है देख के मदहोश हो गई है। ऊपर शैंडलियर बहुत एलीट सा बना हुआ है, वो सबसे बेस्ट इसका पार्ट है, ये पूजा रूम दिया गया है। यहाँ पे आप बनाओ अपना टेंपल, टेंपल स्पेस दी गई है, यहाँ से कितना अच्छा व्यू है, साथ में बढ़िया व्यू मिलता है ये पूरे के पूरे एंटायर हाउस को, इसमें नेचुरल लाइट मिल रही है। वाह वो मेरा थोड़ा सामान रखा हुआ है, काइंडली एडजस्ट। वाह ब्यूटीफुल, तो देखते हैं जी इसके जो सामने फ्रंट में दो रूम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये डोर से हमने करी थी एंट्री, यहाँ पे आपके पास एक चेस्टर लगा हुआ है, चेस्टर के साथ आप यहाँ पे टीवी की प्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग की प्लेसमेंट है, वहाँ पे इसकी किचन, ये एक पाउडर रूम, पाउडर रूम देखते हैं पहले। वाह जी वाह, टोटली इटालियन मार्बल, ब्यूटीफुल सुपर डिजाइनर काइंड ऑफ। इसमें आपका सिंक भी देखो बहुत प्यारा लगाया हुआ है, सारा सतवारियों का सिंक लगा हुआ है इसमें, सतवारियों स्टोन का वन पीस में बना हुआ स्टोन ये आपका वो मिलता है। और साथ में आ गया जी ओवल शेप में बहुत बढ़िया सा एक मिरर, मिरर के आ गया हरप्रीत, लाइक मांगता हुआ आपसे बढ़िया सा लाइक दे देना, जरा सा भी पहले ग्लिम्स अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर दे देना जी यहाँ पे। और ये पूरा स्टोन है, यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन है, यहाँ WC इसका, काफ़ी बड़ा पाउडर रूम दिया गया इसमें, काफ़ी बड़ा। और सिंपल कलर कॉम्बिनेशन का सेम स्टोन है, वही जो नीचे दिख रहा है वही सामने दिख रहा है, सारा मार्बल है इटालियन मार्बल। तो चलते हैं इसे बाहर, चलते हैं जी इसके एक बेडरूम के अंदर। वाह ग्रेट, ये भी इटालियन मार्बल है, सारा इटालियन मार्बल है नीचे, अगेन नेचुरल लाइट्स में भर भर के आ रही है जी। देखो धूप आपके सामने है, इस वक्त दोपहर के 3
25 हो रहे हैं और ज़बरदस्त इसमें सनलाइट आ रही है आपको सामने। देखो कितना प्यारा से उन्होंने वो ग्लास दिया हुआ है, पीछे इसके वॉशरूम है। ओहो ये तो बहुत ही प्यारा चीज़ दे दी, ग्लास के साथ दे दिए, ग्लास में पीछे से लाइट भी आ रही है। वॉशरूम देखो पूरा पूरा ये आपको एंटीक स्टाइल में दिख रहा है, ये पूरा विक्टोरियन स्टाइल में जो ग्लास लगा हुआ वैसा है। ये पूरा ह्यूज सा रूम है, यहाँ पे आपकी टीवी की प्लेसमेंट है और यहाँ पे आपकी बेड की प्लेसमेंट है, लाइट प्रॉपर लगी हुई है। ओहो हो ये तो ड्रेस बहुत प्यारा ड्रेसिंग है, बहुत प्यारा ड्रेसिंग है। ओए होए होए सुपर्ब, क्या बात है सुपर्ब ना। ये देखो ये इसमें सारी सारी वार्डरोब्स आ गई, सामने बढ़िया सा मिरर ड्रेसिंग टेबल, बढ़िया सा जहाँ मिरर आएगा लाइट तो चलेगा जी, वहाँ पे लाइट तो जरूर आना मुझे यहाँ पे। तो एक मिरर के सामने लाइट, और ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, मुझे कंसेप्ट देख के अच्छा लगा। ग्लास और इससे भी नेचुरल लाइट अंदर आ रही है, सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कि इसमें तो अपनी लाइट तो है ही है, लेकिन इस जो बेडरूम से जो इसमें नेचुरल लाइट आ रही है ना, इसके साथ ये ड्रेसिंग एरिया भी थोड़ा सा खिल गया इसे। क्या बात है क्या बात है। तो ये इसका ड्रेसिंग पार्ट है, बहुत बढ़िया सा ड्रेसिंग पार्ट है इसके अंदर। इसमें देखो इसमें जो वार्डरोब्स है इसमें ग्लास वाली वार्डरोब भी है, इसमें ग्लास ताकि आपको ट्रांसपेरेंट है, कुछ यहाँ पे नॉर्मल वुडन आपका दिया हुआ है। ये बहुत बढ़िया सा मैंने आपको जैसे दिखाया, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है यहाँ पे, और मैडम निहारते हुए अपनी वार्डरोब्स को। तो ये चलते हैं इसके वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम तो इसमें क्लास बना है जी, क्लास ऑसम वॉशरूम बना हुआ है इसका। ये बेदिंग एरिया है, बेदिंग एरिया देख के मज़ा आ जाएगा जी, इसमें बहुत प्यारा बना हुआ है। ये इसमें हैंड शावर और हेड शावर लगा हुआ है, इसमें देख लेते हैं कौन सी बाथ फिटिंग्स लगी है। ओहो इसमें तो हैंस ग्रोहे लगी हुई है जी, क्लास टॉप नॉच, सबसे बढ़िया। बिल्डर ने पूरा जस्टिफिकेशन दिया जी अपने इस प्रॉपर्टी के साथ, इस प्रॉपर्टी को बहुत ही एनहेंस किया, बहुत बढ़िया बनाया। अंदर टाइल्स यूज की गई है, बड़ी बड़ी टाइल्स यूज की गई है, और ये जो रेक्टेंगुलर मिरर दिख रहा है ओहो ये तो ऑसम है ऑसम। तो एक लाइक जरूर दे देना जी इसके इस रेक्टेंगुलर से प्यारे से डिजाइनर हाउस के लिए, इस डिजाइनर मिरर के लिए, और एक प्रेजेंटेशन के लिए, एक बिल्डर के लिए, सबके लिए, जिसके लिए जिसने अब तक लाइक नहीं दिया इसको लाइक जरूर दे देना, मजेदार। और ये ओवल शेप में आपको बहुत बढ़िया सा एक वॉश बेसिन लगा हुआ है यहाँ पे, इसके वैनिटी सेक्शन नीचे का टॉप इसका इटालियन रखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे WC रखी है ड्यूराबिल की। वाओ क्या बात है क्या बात है। देखो जी मैम तो ऐसे बैठ गई, ऐसे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो जी, तैयार श्यार होना है, कुछ सोचना है, कुछ सोच विचार भी करने तभी कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर यहाँ से नेचुरल लाइट इस ड्रेसिंग में आती है, क्लास। यहाँ से इस रूम में जो नेचुरल लाइट आपको दिखाई थी मैंने, नेचुरल लाइट इस टाइम बहुत अच्छी सनलाइट बहुत प्यारी सी आ रही है, और ये इसी से होके इस ड्रेसिंग रूम में जा रही है। क्या बात है, कितना अच्छा कंसेप्ट है, कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, मज़ा आ गया। प्रीवीसी भी है, और आपके घर के कमरे के पीछे ही आपके बेड के पीछे इसका ड्रेसिंग आया था, ड्रेसिंग ह्यूज, बहुत बड़ा ड्रेसिंग। चलते हैं जी इस रूम से बाहर, इस रूम की एक बार लुक एंड फील दिखा दो आपको। लाइट ग्रे यूज़ किया गया इसके अंदर, और ऊपर की आपको सीलिंग दिखा दो, सीलिंग भी बहुत प्यारी बनाई हुई है इसमें, फॉल सीलिंग बहुत प्यारी बनी हुई है और डिज़ाइनर लाइट्स के साथ। तो यहाँ से इसकी नेचुरल लाइट वॉइस अगेन, इसकी सेपरेट अपनी बैल्कनी मिल जाती है इसको, वो लिविंग की बैल्कनी अलग है, इसकी बैल्कनी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट बैल्कनी का सेट आउट एरिया बाहर बनता है। और सामने फ्यूचर प्रूफ इसमें जिंक और ये एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया, डबल ग्लेयर ग्लास है, हीट नहीं आती, हीट प्रूफ है, और अंदर साउंड प्रूफ भी है, ऑलमोस्ट 80% 90% तक साउंड इसमें रिड्यूस हो जाती है, आवाज़ बंद हो जाती है बिल्कुल, डबल ग्लेज है, और सनलाइट आती है लेकिन हीट उतनी नहीं आती है। सामने इसके आपका बिल्कुल देखिएगा टीवी की कंसोल यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे टीवी पैनल है आपका, यहाँ पे आप हैंग करो, और ये रनर्स लगे नीचे दो, बढ़िया से बहुत लंबा रनर लगा है, बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नाइस। चलो जी चलते हैं इस रूम से बाहर, मैडम को करने देते हैं एंजॉय अपना, वो देखना करिए उनको घूमने दो, मज़ा आता है। जब भी मेरी वाइफ मेरे साथ कोई प्रॉपर्टी विजिट करती है तो वो पूरा एंजॉय करती है हर चीज़ को, देख के घूम के टहल के, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है आप इंजॉय करो, मैं अपना वीडियो कर लेता हूँ। और ये पूरा जैसे लिविंग में वापस आ गए हम, और ये सामने वुड की क्लैडिंग है, और इसके साथ ही किचन है, यहाँ से हमने की थी एंट्री। ये देखा हमने एक पाउडर रूम, वो हमने देख लिया एक बेडरूम, ये देख लिया लिविंग रूम, ये एक और बेडरूम है। चलो जी पहले ये वाला बेडरूम ही देख लेते हैं। फ्रंट फेसिंग के अंदर सेकेंड बेडरूम आ जाता है जनरली, वैसे 500 में दो फ्रंट फेसिंग में आते ही आते हैं, तो अब सेकेंड बेडरूम हम देख लेते हैं। इसमें सारी वुडन फ्लोरिंग है नीचे, वो स्टडी बना हुआ है जी वहाँ पे, यहाँ पे टीवी कंसोल आ जाता है आपका, यहाँ से इसकी क्लैडिंग दी हुई है, बेड की प्लेसमेंट आ जाती है यहाँ पे, वुड की क्लैडिंग अच्छी दी हुई है यहाँ पे। पेंट बहुत ही सुपर्ब पेंट यूज किया गया, स्मूथ है एकदम, मक्खन मलाई मजा आ गया, बहुत ही सुपर्ब पेंट यूज किया गया। इसको भी सामने से सेम बैल्कनी का एक्सेस मिलता है, सनलाइट इसके अंदर भी आप देख रहे हो,
और सामने इसके अंदर टीवी की प्लेसमेंट है। ये है इसका वॉक इन क्लोजेट। वाह, वो पहले वाले रूम का तो वॉक इन क्लोजेट बहुत ही सुपर था यार, बड़ा सा। ये इसके आगे वॉशरूम के अंदर, ये सामने से इसके अंदर इसको वेंटिलेशन के लिए मिलता है और सच में साथ में नेचुरल लाइट भी इसको मिल रही है। यहाँ पे इसका प्यारा सा एक बना हुआ वैनिटी सेक्शन और साथ में एक राउंड मिरर, मिरर आ गया फिर से। और अगेन एक लाइक मांग रहा हूँ मैं आपसे, जिसने अभी तक लाइक नहीं दिया तो यहाँ तो प्लीज़ दे ही डालो ना यार, लाइट देखो कितनी प्यारी लगाई हुई है। ऑसम अगेन इसमें सारी टाइल्स हैं और अगेन इसमें रेन शावर है, इसमें हैंड शावर नहीं दिया गया, बाकी ड्यूरावेट का इसमें डब्ल्यू सी यूज किया गया। इसे बाहर चलते हैं। ये आ गए हम इसके वापस बेडरूम को देखते हैं, तो इसका पूरा लुक एंड फील ले लेते हैं एक बारी। बहुत प्यारा था, अल्टीमेट अल्टीमेट है जी, अल्टीमेट। देखो नेचुरल लाइट, पूरे लुक, घर की लुक एंड फील, इस कमरे की लुक एंड फील। चलते हैं इसे बाहर। ये वापस आ गए हम। ये जो आपको शावर दिखा रहा हूँ ना, ये भी इसकी यूएसपी है, ऑसम चीज है। ओहो क्लास है जी, ये इसकी पूरी लुक एंड फील आ जाती है। डाइनिंग की पूरी लुक एंड फील देखो आप, बहुत बड़ा सा, ह्यूज सा, कूल एकदम। तो यहाँ से हमने एंट्री की थी, ये आपको पाउडर दिखा दिया एक रूम, मैंने ये दिखा दिया, लिविंग दिखा दिया, एक बेडरूम वो दिखा दिया, ये प्यारी सी शावर दिखा दी, मंदिर दिखा दिया, बचे ये दो रूम्स। इस दो रूम्स में चलो पहले रूम्स को ही दिख रहे थे, बाद में किचन देखेंगे आज। आज किचन सबसे लास्ट में देखते हैं। एक और इसका थर्ड बेडरूम देखते हैं जी। वाओ इटालियन मार्बल अगेन। सामने आपको इसका टीवी कंसोल नज़र आएगा, काफ़ी डिस्टेंस पे यहाँ पे बेड की प्लेसमेंट आ जाती है। दो यहाँ पे लाइट्स भी बड़ी प्यारी सी लगा रखी हैं। लेआउट इसका अच्छा है, इसकी रनिंग बैल्कनी इसकी बहुत बढ़िया है। पीछे की बैकयार्ड की बैल्कनी दिखाता हूँ आपको मैं। अब वो लोगों के कपड़े थोड़े से बैकयार्ड में सूखते ही हैं जी, वो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना आप। बाकी ये देखो, ओहो ये है ना, कम से कम 700 यार्ड के अंदर इतनी बड़ी बैल्कनी आती है। और इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, आपकी वॉल बचाने के लिए हैंग कर दिया सारे एसीस, 8 एसीस लाइन में लगाए हैं यहाँ पे ऊपर। ये देखो सारे 8 एसीस ऐसे लटकाए हैं। ये रही बैल्कनी ह्यूज, ये आपका सारा वॉशिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया। चलते हैं इसके रूम के अंदर वापस। और सारी एल्यूमिनियम यूज़ की गई है, कोई यूपीवीसी यूज़ नहीं की गई यहाँ पे। और साथ में मैश डोर, ग्लास डोर दोनों दिए गए यहाँ पे। और साथ में आप कर्टन्स के भी प्रोविजन है, ऊपर कर्टन भी आप लगा सकते हो इसका, इसके अंदर लंबे से बड़े से कर्टन्स लग जाएंगे, रॉड लग जाएगी। और ये बेड की प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपका इसका वॉशरूम आ जाता है। चलते हैं इसका वॉशरूम देखते हैं। डाइकिन, इसमें डाइकिन के इन्वर्टर एसीस लगे हुए हैं। ये लो जी, ओए होए होए होए, इसकी वॉक इन क्लोजर्स सारी ही सुपर बनाई हैं, बहुत बढ़िया वॉक इन क्लोजर्स हैं जी, मज़ा आ गया। ये देख रहे पूरी लाइन से, जो कहते हैं ना स्टोरेज की शॉर्टेज है, देख लो कोई स्टोरेज नहीं मिलेगी, शॉर्टेज आपको। लेदर फिनिश में इसमें ऊपर फिनिश दी गई है इसकी। चलते हैं इसके वॉशरूम में, वॉशरूम भी बहुत ह्यूज है, मज़ेदार क्लास। कलर कॉम्बिनेशन सारे ही इंग्लिश दिए गए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन, सारे लाइट ग्रे दिया गया है। आ गया जी एक और मिरर बढ़िया जा, अब ये स्क्वायर मिरर, इसमें एक और लाइक, एक लाइक, जिसने अभी तक लाइक नहीं दिया लाइक ज़रूर दे देना जी, बिल्कुल दे डालना, सोचना समझना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक दे देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लेना। इतना फैंटास्टिक फ्लोर है, इसी से आपके फैमिली फ्रेंड्स आप और बोलेंगे कि इस तरह के वीडियोज़ और भेजो, चीज़ें मतलब लोगों को अच्छी लगती है देखने में। ये मेरे पास बहुत फीडबैक है, बहुत प्यारा था, लोग कहते हैं आपका वीडियो शेयर करते हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ भेजी आपने। मतलब गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस से तो लोग परेशान हैं। ये देखो जी, ये हैंड स्क्रोवे की फिटिंग, हैंड शार, ऊपर हेड रेन शार, और ये कर देते हैं इसके ग्लास पैनल को, इसको बंद। ये बेदिंग एरिया हो गया। तो मैं कह रहा था लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस से बड़े परेशान हैं, तो वो मत भेजा करो, फॉरवर्ड मत किया करो, ज्ञान जो अननेसेसरी जो मैसेज होते हैं वो भेजा करो, भेज रहे हैं कोई ढंग का हमारे ऐसा वीडियो भेजो, मुझे मज़ा आ जाए, मतलब समझ रहे हो ना, जरा इमोशंस को समझ जाओ आप, फटाफट शेयर कर दो इसको, फटाफट शेयर कर दो। ये देखो इतना प्यारा सा इसका बढ़िया सा वॉक इन क्लोजेट। तो इससे भी बाहर निकलते हैं, आओ वार्डरोब आपको खोल के दिखा दिए एक बारी मेरी वाइफ ने, तो वो मेरे ख्याल से ठीक ही दिखाई है। कैसा लग रहा है
मज़ा आ रहा है। ये रूम कैसा लगा? बहुत अच्छा, सुंदर है। इसकी खास क्या है? उसकी वॉकिंग क्लोजेट मुझे सारी ही मतलब अच्छी लगी है। बड़ी बड़ी देखो स्टोरेज, देख रहे हो सब में अलमीराज और मतलब स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप लोग कंप्लेंट करते हो ना कि स्टोरेज कम है, स्टोरेज कम है, तो इसमें स्टोरेज की कमी नहीं है। नाइस, बढ़िया। ये खुल गई है तो मैंने कहा दिखाई देता है। मेरी लाइट्स अंदर सारी प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई हैं और बहुत प्यारी है। कुछ खास लगे तो बताना, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगे तो मैं तब तक मैं कुछ बाहर दिखा देता हूँ। मेरी वाइफ को घर देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है उसको। उसका अगर मज़ा आ रहा है दैट मीन्स कि आपको मज़ा आने वाला है, आपको अच्छी चीज़ लगेगी। घर की एक लेडी होती है ना, वो एक जेन्युइन ओपिनियन अपना रखती है कि घर कैसा है। तो घर के अंदर स्टोरेज सबसे पहले नज़र जाएगी किसी भी लेडी की, स्टोरेज कितनी है, किचन कैसी है, लिविंग कैसा है, डाइनिंग कैसा है, मेरे बेडरूम्स कैसे हैं। तो सारा घर ही एंटायर हर लड़की जो लेडी है वो पूरा एक्सरे कर लेती है। ये वाह जी वाह। अब इसके साथ में एक और रूम है, देख लेते हैं। अगेन इसमें वुडन फ्लोरिंग है, सेम वैसा ही है। सामने की वॉल हाईलाइटेड है, यहाँ पे आपका बेड की प्लेसमेंट आ जाएगी और यहाँ पे आपका टीवी कंसोल आ जाएगा। और ये बहुत बढ़िया सा इसका वॉक इन क्लोजेट आ जाता है। अगेन वॉक इन क्लोजेट देन वॉशरूम। वाह, तो इसका इसमें ग्लास पैनल लगे हुए हैं इसमें भी, और बड़ी सी विंडोज में साथ में इसको वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है। इसमें एक निश भी बनी हुई है, बड़ी प्यारी सी लग रही है। इसमें टाइल लगी है सारी, ड्यूराविट का इसमें वही सेम अगेन, और WC लगा हुआ, और सारी हैंस ग्रोवे की इसमें बाथ फिटिंग्स। और एक आ गया जी बढ़िया सा, यहाँ पे एक और मिरर, और ये फोर्थ मिरर है जी। मतलब आई मीटर से इस बेडरूम का फोर्थ लास्ट वॉशरूम दिखा रहा हूँ इस पूरी इस एंटायर प्रॉपर्टी का। तो लास्ट टाइम आपसे मैं लाइक मांग रहा हूँ जी दिल से, और सच्ची बोल रहा हूँ जी, जिसने नहीं दिया लाइक दे देना, इसको शेयर कर देना, लाइक दे देना। लाइक दिए बिना जाना नहीं बिल्कुल भी, यहाँ तक वीडियो देख लिया लाइक जरूर दे देना जी, ठीक है जी। हमारी दिल से रिक्वेस्ट होती है और मेरे को पता है आप दिल से रिक्वेस्ट मानते हो। इसको पहुँचा देना 2-3 हज़ार लाइक्स के ऊपर, ये कन्फर्म है, कर देना जी, कर देना प्लीज़। चलते हैं इसे बाहर। ये हमने देख लिया इसका वार्डरोब्स, एंटायर रूम की लुक एंड फील प्यारी सी। और ये से बाहर निकलते हैं। अब आ गया किचन का टाइम, किचन देखनी है। मैडम कहाँ पे हो? लगता है किचन देख रही है, चलते हैं हम भी किचन देखने के लिए। आओ जी। वाह सुपर, मैंने कहा था ना किचन में मिलेंगी। तो ये किचन है जी इसकी प्यारी सी एंट्री वे, क्या बात है। आर्ट इफेक्ट्स लगे हुए हैं जी, सामने काउंटर है, सर्विस काउंटर है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब किचन को शिद्दत से देखेंगे मैडम। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, क्रीम एंड माउस ग्रे, जो बेसिकली ग्रे है, लाइट ग्रे, बहुत प्यारा ना कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। ब्लॉक कॉम के में सारे आपको हॉब एंड चिमनी देखने को मिलती है, और किचन स्पेशियस है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे इसका रेफ्रिजरेटर की जगह है, यहाँ पे पेंट्री है। आओ पेंट्री खोल के देखते हैं, ठीक है। ये पेंट्री वाओ अच्छी है ना, स्पेशियस है। थोड़ी मैडम कैमरा शाय है, ज़्यादा खुल के आ नहीं पा रही हैं, लेकिन वैसे तो जो मुझे ब्रीफ कर रही थी भी बहुत बढ़िया सा। और ये ब्लॉकों के ही आपको यहाँ पे OTG एंड माइक्रो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया इसकी किचन की प्लेसमेंट, और बहुत अच्छी सी स्क्वेरिश है, क्योंकि प्लॉट की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ये सब फील आपको देखने को मिल रही है। इसको पीछे का यूटिलिटी एरिया मिलता है बैल्कनी का, और इसका यूटिलिटी बाहर भी बना हुआ है, वॉशिंग एरिया। चल के देखते हैं एक बारी। ये लो, ये सारा यूटेंसिल्स के लिए सारा वॉशिंग एरिया है, बाहर ही आपका पूरा यूटिलिटी है, यूजेबल एरिया, बहुत यूज़फुल है। और ये ह्यूज सी बैल्कनी आ जाती है। चलते हैं इसके अंदर वापस, किचन तो बहुत मज़ेदार है, क्या स्क्वेरिश, कितनी बढ़िया सी किचन है यार। इसमें भी AC इसमें इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट है ऊपर। और ये देख रहे हो ये सारे इसके ना अपर कैबिनेट्स, इसमें डिज़ाइनर बड़े अच्छे, दो इसमें से दो ग्लास के पैनल दिए हैं, बीच में आपकी बिल्कुल चिमनी आ जाती है, बहुत प्यारी सी हॉवन चिमनी। एक बार खोल के इसको देखते हैं, ऐसे सॉफ्ट क्लोजिंग ही होगी, और ग्रास की लगी हुई है इसमें किचन, सारी ग्रास की किचन आई हुई है, और ये कटलरी आ जाता है इसमें। सॉफ्ट क्लोजिंग, जोर की मारेंगे धीरे से बंद होगा। ये बहुत प्यारा है,
ये काउंटर भी अच्छा लगा हुआ है, सर्विस काउंटर है, यहीं पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट और इन्जॉय कर सकते हैं। फास्ट जो क्विक ब्रेकफास्ट लेना है यहाँ से बैठ के लेते हैं, हमें हाई चेयर्स लग जाती हैं और बहुत प्यारा लगता है। और ऊपर ही डिज़ाइनर से देखो इन्होंने शैंडलियर भी लगाया हुआ है, ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हर चीज़ जो होती है ना बड़ी एक्चुअली में प्लानिंग होती है, टेस्टफुल होता है, मतलब टेस्ट होता है कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, उसके पीछे बड़ी सारी प्लानिंग लगती है और एक बहुत रिसर्च होती है, तब जाके कहीं जाके एक चीज़ आउटपुट निकल पाता है। ऐसे नहीं होता, इंटीरियर जो है इंटीरियर बहुत सोच समझ के बहुत तरीके से, हर एक की अपनी चॉइस थोड़ी छलकती है कि बिल्डर का चॉइस क्या है। बिल्डर की चॉइस बहुत रॉयल, बहुत हाई एंड चॉइस है, जो कलर कॉम्बिनेशन जो मेरे को मेरा जो फेवरेट है ना कलर थीम, क्योंकि स्टोन भी उसके साथ मर्ज कर रहा है, हर चीज़ बढ़िया सी बहुत बढ़िया प्लेस की गई है, क्लास है। और लेआउट देख के मज़ा आ गया, लेआउट इसका बहुत अच्छा है। ये किचन, किचन से बाहर निकलते हैं, सेम एक जैसा लगा हुआ है। हाँ ये स्टोन सेम लगाया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मैं अब चलता ही है ना सामने, अब सामने आपका यही सेम स्लैब आ गई, यही सेम स्टोन आ गया, तो एक बढ़िया हो गया, वो कंबाइंड बन जाता है और बड़ा भी लगता है और फ्यूचर प्रूफ भी होता है। कोई चीज़ें पानी वानी गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं आती है। और अभी वो टाइल्स पहले लगती थी, जैसे टाइल्स भी लगाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, टाइल्स भी बड़ी स्मार्ट स्मार्ट टाइल्स आती हैं, अच्छी टाइल्स आती हैं, लेकिन ये थोड़ा है कि ये कॉर्ड वॉर्ड ये कॉर्ड का ही लगा देते सामने, तो ये अच्छा लग रहा होता है आजकल दिखने में, थोड़ा सा रॉयल फिनिश आती है। प्रोफाइल लाइट्स दी गई हैं सारी नीचे इसकी, वो प्रोफाइल लाइट बहुत अच्छी लग रही है इसकी। चलते हैं जिससे बाहर, ये अगेन सामने मंदिर का पार्ट और ये लिविंग, लिविंग देखो लिटअप है, पूरा का पूरा लिटअप है, नेचुरल लाइट से भरा हुआ है। सामने के रूम्स में नेचुरल लाइट आ रही है, धूप आ रही है पूरी, यहाँ तक उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, पूरा घर जगमगा रहा है, खुला हुआ ब्यूटीफुल हवादार एकदम क्लास, एकदम क्लास घर है, मतलब ब्रीद करता हुआ लिटअप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मज़ा आ गया। जैसे हम लोग आए हैं तो हमें जो पॉजिटिव एनर्जी आई एकदम से, तो वैसी ही फील, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए घर के अंदर, और मतलब अच्छी फील आई है। जब अच्छी फील आती है मैं इसको चैनल पे ज़रूर लेके आता हूँ, वाइब्स अच्छी ना आए तो मुश्किल है, मैं चैनल पे लेके आऊँगा। वाइब्स सबसे पहले पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, जिसके बाद मुझे शूट करने में, मुझे ब्रीफ करने में बहुत मज़ा आता है, इसको बहुत मज़ा आता है। तो ये घर मुझे बहुत प्यारा लगा। इसमें ऊपर आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ऊपर इसकी सारी डक्टिंग है, डक्टेबल एसीज लगे हुए यहाँ पे, और वो उसके अंदर भी लिविंग में भी जाते हैं, लिविंग एंड डाइनिंग में डक्टेबल एसीज हैं। ये पूरे इसकी घर की लुक एंड फील है, और इसका एक वॉक थ्रू मिलेगा पूरा वीडियो के लास्ट के अंदर, आपको एक वॉक थ्रू मिलेगा इसका, वो जरूर देख के आना, मज़ा आएगा आपको। म्यूज़िक के साथ इन्जॉय करो इस घर को, और मैं मिलूँगा आपसे ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हरप्रीत सिंह को, रब रखा एंड साइनिंग ऑफ। चीना भी बाय बाय कर रही है आपको, बाय। चलो सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप आओगे कि नहीं आओगे नेक्स्ट वीडियो में? कोई प्लानिंग है? आऊँगी, कोशिश करूँगी पूरी। थोड़ा कैमरा शायद निकलना यार, थोड़ा कुछ नहीं होता, ब्रीफ करनी है चीज़ें, कुछ नहीं होता यार। मैं भी तो ऐसे ही था, लेकिन अब कैमरा शायद नहीं रहा, मैं ऐसे कुछ भी कहीं भी कुछ भी करा लूँ यहाँ पे, अगर 10,000 लोग खड़े उसके भी व्लॉगिंग कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ बढ़िया दिखानी है, मेरा काम है ये, मेरा पैशन है ये, और मेरा पैशन ही मेरा काम है, मेरा काम ही मेरा पैशन है। मैं इन्जॉय करता हूँ अपने पूरे काम को, दिल से करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है इसको लाइक शेयर करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। Scared to live 'cause some people never learn, but they're not gonna, not gonna watch me burn.